प्रीति जिंटा से पहली बार बात व ढाटू का किस्सा सुनाते हुए भावुक नजर आई कंगना। कंगना के फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगलर होने के दौरान सफलता में एक्ट्रेस प्रीति ने दी थी हिमाचल का झंडा गाड़ने की प्रेरणा। स्थानीय महिलाओं द्वारा पारंपरिक पोशाक पहनाए जाने पर बोली, स्टूडेंट लाइफ में कई बार हुई थी ढाटू पहनने की इच्छा। फर्स्ट कैबिनेट के बाद कई बार महिलाओं को 1500 रुपए का झांसा देने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट को बताया कपटी सरकार। खुद को जनता का डाकिया बताते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस कैंडिडेट पर कसे तांज। शिमला के झांकड़ी व कुल्लू के निर्माण में पन्ना प्रमुख सम्मेलनों को किया संबोधित। बॉलीवुड स्टार एवं पद्मश्री पुरस्कार विजेता कंगना को मिल रही मीडिया कवरेज के आगे फीके पड़े हिमाचल के कांग्रेस भाजपा दिग्गज। उनका फोन मुझे आया और उस टाइम पे प्रीति जिंटा जी बहुत बड़ी स्टार थी, टॉप मोस्ट स्टार जिसे कहा जाता है बॉलीवुड की वो थी, और मैं मात्र वहां पे संघर्ष करती थी लेकिन मेरी उम्मीदें दिन ब दिन टूटती जा रही थी। मैंने कहा क्या बात करूंगी मैं उनसे, अब क्या बोलूंगी। तो उन्होंने फोन लिया और जैसे वो हमेशा खिलखिलाकर हंसती हैं, उन्होंने कहा देखो तुम, अब मैंने हिमाचल का झंडा गाड़ा, अब मेरे बाद तुम हिमाचल का झंडा गाड़ना। तो ये भावुक उनके साथ जो मेरा वार्तालाप हुआ था मुझे हमेशा याद रहेगा। और आज जैसे ही मैं रामपुर में आई तो मेरी बहनों ने मुझे ये ड्रेस दिया, और आप सब बहनें जानती हैं कि महिलाओं के लिए सारी दुनिया की जायदाद कहने एक तरफ और ड्रेस पाने का सुख एक तरफ। तो जैसा उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर ड्रेस दिया, और ये ढाटू हमेशा मैं आई हूँ शिमला कई बार तो देख के हमेशा मन तो करता था कि कैसे पहनते होंगे, क्या लगता होगा पहनकर, इस तरह के विचार हमें आते हैं अक्सर, महिलाओं को ज्यादा आते हैं, कैसे मांगे कैसे पूछे। हमारे माता पिता भी बोलेंगे तुम अभी ऐसे फालतू खर्चे कर रही हो, इस तरह के कई विचार आते थे बचपन में। लेकिन वो मेरी बड़ी इच्छा आज पूरी हुई कि मुझे ये ड्रेस मिला, और मेरे लिए बहुत सुंदर एक यादगार रहेगी। आगे चलकर ये कहानी मैं भी अपने परिवार वालों को बताऊंगी कि ये ड्रेस मुझे उस दिन यहाँ मिला था। इतना प्यारा मैंने उनको नाम दिया राजा बेटा, उससे भी खफा है। इतना प्यारा मैंने उनको बोला राजा बाबू, उससे भी खफा है। हम जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर कोई उनसे हमारी तुलना करे तो हम तो गदगद हो जाए। वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, दुनिया उनको प्रधान सेवक कहती है, हमें कोई छोटा सेवक कह दे हम तो गदगद हो जाएं। हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए, उनको उसमें भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। भाई किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। तो मुझे चिंता होती है कि जो मेरे छोटे भाई हैं वो मुझसे इतने खफा क्यों रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इसका रीजन ये तो नहीं है कि वो भी बड़े दिल्ली के चक्कर लगाए बीजेपी हेडक्वार्टर के बड़े चक्कर लगाए उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर के। अब लगता है बहुत जल्दी भैया मेरी टीम में दिखेंगे, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि कभी हम भी ऐसे ही दिखेंगे बैठे हुए। और हमें ये जरूरी नहीं है या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन भाजपा का प्रत्याशी है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द माइट ऑफ द बीजेपी। जिस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोने के ऊपर सुहागा है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल की जो रिच कल्चर है, हिमाचल के ट्रेडिशंस है, हिमाचल की संस्कृति है, हिमाचल देव भूमि है जिसको देवी देवताओं के नाम से केवल हिमाचल में नहीं, देश में नहीं, मगर पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। वहां पर आकर, मनाली में आकर इस तरीके की भाषा का, इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करना किसी भी व्यक्ति के प्रति, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रत्याशी है मंडी संसदीय क्षेत्र से, बारी बारी मन से आकर ये कहती है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, मेरी बड़ी बहन, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जब आप मंच के ऊपर आती हैं, आप जब मीडिया को संबोधित करती है, तो कृपया करके पहले भारत का इतिहास, अपने प्रदेश का इतिहास के बारे में पढ़कर आइए।
बॉलीवुड स्टार एवं मंडी से कांग्रेस कैंडिडेट कंगना रनौत आज प्रीति जिंटा के गृह जिला में उनसे पहली बार बातचीत का किस्सा सुनाते हुए भावुक नजर आई। कंगना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जब वह स्ट्रगलर थी और फिल्में अथवा काम मिलने के लिए तरसा करती थी तो उस दौर की सफलतम हीरोइन में शामिल शिमला के रोहडू की प्रीति ने उन्हें उन्हीं की तरह हिमाचल का झंडा गाड़ने के लिए इंस्पायर किया था। प्रीति जिंटा से पहली बार बात के किस्से के अलावा कंगना रामपुर क्षेत्र की महिलाओं द्वारा उन्हें स्थानीय पोशाक भेंट किए जाने पर भी भावुक नजर आई और एक महिला के लिए ड्रेस को उसकी बड़ी दौलत बताया। उन्होंने कहा कि बचपन तथा स्टूडेंट लाइफ में कई बार उनकी ढाटू पहनने की इच्छा हुई मगर घर वालों के फालतू खर्चे जैसे सवालों से डरकर शिमला आने पर भी उन्होंने ढाटू नहीं खरीदा। कंगना ने आज शिमला जिला के झांकड़ी में रामपुर मंडल तो कुल्लू के निर्माण में स्थानीय ब्लॉक यूनिट के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित भी किया। फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन का वादा पूरा न करने व बार बार फॉर्म भरवाने अथवा झांसा देने के लिए उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट को कपटी सरकार करार दिया। कंगना ने कहा कि गत वर्ष हिमाचल में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने जहां 1800 करोड़ की सीधी मदद दी वहीं इसके अलावा सड़कों घर निर्माण व मनरेगा के लिए भी अरबों का बजट उपलब्ध करवाया। पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके एक दशक के शासनकाल में जहां भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है वहीं अगले 5 साल में हमारा देश पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार का नाम लिए बिना कंगना ने कहा कि बड़े घरों के लोग जनता द्वारा उनकी मांग मुख्यमंत्री से पूरी करवाए जाने का आग्रह किए जाने पर कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारा डाकिया नहीं हूँ। कंगना ने कहा कि सांसद बनने पर मैं जनता के डाकिया का काम करूंगी और क्षेत्रवासियों के आदेशों अथवा मांगों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाऊंगी। कंगना ने आज एक बार फिर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एवं मंडी से कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कांग्रेस को महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी करार दिया। गौरतलब है कि पिछले करीब एक माह से एक तरफ जहां पद्मश्री पुरस्कार विजेता बॉलीवुड स्टार कंगना को लगातार फुल मीडिया कवरेज मिल रही है वहीं प्रदेश के कांग्रेस और भाजपा के अन्य बड़े बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार उनके आगे फीका पड़ चुका है। न केवल नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि हिमाचल के वेब चैनल व यूट्यूबर भी कंगना की पब्लिसिटी से अपने व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने की चाहत में कवरेज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही भावुक दिन है क्योंकि आप सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से जो मेरा रिश्ता रहा है। मुझसे पहले मेरी एक बहन रोडू क्षेत्र इसी एरिया शिमला के एरिया की प्रीति जिंटा जी, वो भी उन्होंने भी मुंबई नगरी में अपना नाम कमाया। और मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है, जब मैं वहां संघर्ष कर रही थी 2006 या 7 की बात है, तो मेरे पास काम नहीं था, बहुत काम कम मुझे मिलता था, उसके लेकर मैं हमेशा चिंतित रहती थी। तो हमारे एक बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर उस वक्त के थे, राकेश श्रेष्ठा जी, बहुत ही बड़े फोटोग्राफर थे, तो मेरे काम से प्रभावित रहते थे और मुझे उन्होंने कहा था कि तुम हिम्मत मत हारना। एक दिन उनका फोन मुझे आया और उस टाइम पे प्रीति जिंटा जी बहुत बड़ी स्टार थी, टॉप मोस्ट स्टार जिसे कहा जाता है बॉलीवुड की वो थी, और मैं मात्र वहां पे संघर्ष करती थी लेकिन मेरी उम्मीदें दिन ब दिन टूटती जा रही थी। तो राकेश श्रेष्ठा जी ने मुझे कहा, देखो मैं प्रीति के साथ हूं, अभी शूट कर रहा हूं, चलो मैं तुम्हारी बात कराता हूं। मैंने कहा क्या बात करूंगी मैं उनसे और क्या बोलूंगी। तो उन्होंने फोन लिया और जैसे वो हमेशा खिलखिलाकर हंसती हैं, उन्होंने कहा देखो तुम, अब मैंने हिमाचल का झंडा गाड़ा, मेरे बाद तुम हिमाचल का झंडा गाड़ना। तो ये भावुक उनके साथ जो मेरा वार्तालाप हुआ था मुझे हमेशा याद रहेगा। और आज जैसे ही मैं रामपुर में आई तो मेरी बहनों ने मुझे ये ड्रेस दिया, और आप सब बहनें जानती हैं कि महिलाओं के लिए सारी दुनिया की जायदाद गहने एक तरफ और ड्रेस पाने का सुख एक तरफ। तो जैसा उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर ड्रेस दिया, और ये ढाटू हमेशा, मैं आई हूँ शिमला कई बार तो देख के हमेशा मन तो करता था कि कैसे पहनते होंगे, क्या लगता होगा पहनकर, इस तरह के विचार हमें आते हैं अक्सर, महिलाओं को ज्यादा आते हैं, कैसे मांगे, कैसे पूछें, हमारे माता पिता भी बोलेंगे तुम अभी ऐसे फालतू खर्चे कर रही हो, इस तरह के कई विचार आते थे बचपन में। लेकिन वो मेरी बड़ी इच्छा आज पूरी हुई कि मुझे ये ड्रेस मिला और मेरे लिए बहुत सुंदर एक यादगार रहेगी। आगे चलकर ये कहानी मैं भी अपने परिवार वालों को बताऊंगी कि ये ड्रेस मुझे उस दिन यहाँ मिला था। दोस्तों, हमारे
जो हिमाचल के लोग होते हैं हम बड़े ही भोले और सीधे साधे होते हैं, लेकिन आपने देखा कि मेरी हर बात को लेकर मुझ पर आक्रमण हो रहे हैं। यहाँ तक कि क्यों मैं कोई ड्रेस पहन लूं किसी क्षेत्र की, उसको लेकर भी मुझ पर टिप्पणियां हो रही हैं, अभद्र बातें हो रही हैं कि जैसे फिल्म की वो शूटिंग कर रही है। अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं तो मन करता है कि हम भी ये मराठाओं की पायथनी पहने, अगर हम बंगाल जाते हैं तो वहां की जो मशहूर जामदानी साड़ी है मैं हमेशा जाकर वो खरीदती हूँ और हमेशा पहनती हूँ। न जाने ऐसी कितनी ही आंध्र प्रदेश की काम की साड़ियां हो या तमिलनाडु की हो, मैंने हमेशा ही भारत की संस्कृति को और उसकी धरोहर को पूरे विश्व में उसका परचम लहराने में, उसको संस्कृति को फैलाने में कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जब मैं राजनीति में नहीं थी तब भी चाहे कुल्लू की पट्टी हो या पट्टू हो, हर जगह मैंने उसका बहुत प्रचार किया। तो ये बात भी मेरी इनके आंखों में खटक रही है, हर बात जैसे मेरी इनकी आंखों में खटकती है, मेरा तो मात्र सांस लेना ही इनकी आंखों में खटक रहा है। क्या कारण हो सकता है जब आपकी बहन, आपकी बेटी कंगना का नाम आया, जब मुझे टिकट मिला तो ये लोगों ने मुझे कहा कि ये लड़की का क्या भाव चल रहा है, हम सब मंडी की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहने हैं। मुझे इस तरह की अभद्र टिप्पणी की कि क्या भाव चल रहा है मंडी की महिलाओं का। और अब उसके बाद मुझे कहा गया कि तू अपवित्र है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आई है, जा तू पहले पवित्र होके आ। इतने इन लोगों ने अंत संत वादे किए, 1500 हम महिलाओं को लगाएंगे, 100 रुपए में भैंस का दूध लेंगे, ऐसी ऐसी हम मोबाइल हॉस्पिटल चलाएंगे जो जगह जगह जाके मुफ्त इलाज करेंगे। कहाँ है वो मोबाइल हॉस्पिटल? बड़े लोग कहते हैं कि हम डाकिया नहीं बनेंगे, हम कोई तुम्हारे डाकिया हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं आपकी डाकिया हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। देश के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो कपटी सरकार है जिसको पूरे देश ने नकार दिया है, वो कपटी सरकार कांग्रेस की जो सरकार है वो यहाँ पर किसी ना किसी तरह से लोगों को बहला फुसला कर आ गई है।